मैं 50,000 से 1,00,000 के दरमियान डेली जो प्रॉफिट अभी कमा रहा हूँ। अगर आप खेतों में ये काम शुरू कर लेना तो जो सप्लायर और डीलर्स हैं वो आपके पास पहुँच जाते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नौकरी कर रहे हो एक मुद्दत से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि हदीस भी है उसका मफहूम ये है, अल्लाह ताला ने जो तिजारत है उसमें 90% बरकत रखी है, तिजारत में 90% बरकत रखी है और नौकरी में जो बरकत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10% है। मेरा नाम मोहम्मद जाबर यकूब है, MCS है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कायद अजम यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद। इकबाल के शहीन हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आया वो जॉब करें या फिर अखबार की तरफ आएं। मेरा जो अपना आइडिया यही है कि ऑब्जर्वेशन यही है कि अपना बिजनेस करना चाहिए, वहाँ वो एक रेडी से काम शुरू हो, एक दाल चावल की रेडी लगी हो या बिरयानी की लगी हो, या उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स का काम हो, किसी भी फील्ड में, लेकिन बिजनेस अपना होना चाहिए। आपने कहा अगर इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स में आए, क्या आप जो नए आने वाले हैं उनको इस फील्ड में आने के लिए वेलकम कहते हैं, क्या उनको गाइड करेंगे आप इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ए टू जी मैं गाइड करूंगा, फुल जो है ना उसको हर चीज़ के लिए फुल गाइडेंस मिलेगी और उसको साथ हाथ पकड़ के उसको करवाया जाएगा। ठीक, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसे स्टार्ट लेने के लिए कितने पैसे दरकार हैं? वैसे तो नॉर्मली अगर ये काम करना है जी, ठीक है, उसके बाद जगह और ट्रांसफार्मर तो वो तो एक लाजमी चीज़ है जी, लेकिन जो मशीनरी और मटेरियल की बात आ जाए तो वो कम से कम 15 से 20 लाख तक शुरू हो जाता है जी। ट्रांसफार्मर और जगह जो है ना वो अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें, और एक तरह से नहीं काफ़ी तरह से प्रॉफिट है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड हैं जिसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अच्छा, पहले आपने बात की कि बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनमें आप अच्छा मार्जिन हासिल कर सकते हैं, थोड़ी सी इस बात की हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कैसे वो मार्जिन हासिल कर सकते हैं, लेकिन लो स्केल से। लो स्केल से अगर आपके पास 3-4-5 लाख है तो आप इसका मटेरियल ले लें, केमिकल्स वगैरह जो लाहौर से मिलते हैं, कराची से मिलते हैं, वो ले लें। सियालकोट में वो कम से कम एक बैग जो है वो आपको 3 से 4 हज़ार बचत दे देता है, तो उसके बाद अगर वो नहीं करना तो इसका जो कपड़ा होता है वो ले लें, ठीक है। अगर वो भी नहीं करना तो कपड़ा काटने वाला एक प्रेस होता है जी, वो आप प्रेस जो है ना वो लगा लें, उसका तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक बंदा मंथली बचा सकता है उसमें। 1.5 से 2 लाख मंथली बचा सकता है, और वो प्रेस 1 से 1.5 लाख के दरमियान में मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। फर्ज करें अगर किसी के पास इतना बजट नहीं है इस फील्ड में आने के लिए तो फिर वो क्या करें? अगर इस किसी के पास इतने पैसे नहीं है तो कम से कम वो 5 से 10 हज़ार भी अगर अरेंज कर ले जी, तो उससे वो ये कर सकता है कि हमसे बॉल ले जी, लोकल जो आम किराना शॉप होती हैं घरों में, मोहल्लों में जी, और इर्द गिर्द वहाँ पे जाके एक एक दो दो दर्जन भी सेल करे बॉल, तो वो अच्छा मार्जिन यानी कि 2 से 3 हज़ार रुपया डेली कमा सकता है। 2 से 3 हज़ार डेली कमा सकता है, डेली नहीं बल्कि वो 2-3 घंटों में अगर वो सेल कर देता है बॉल तो वो तब भी कमा सकता है, उसके बाद दोबारा वो बॉल ले जाए दोबारा, मतलब एक डेली जो है पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिट गेन कर सकता है। सबसे पहले तो लोग देखते हैं हरे हरे बाग जी, जी हरा बाग देखकर हर कोई आता है बिल्कुल, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ बिजनेस आइडिया दिया है, थोड़ा सा बताया, लेकिन ये नहीं बताया आप डेली का कितना कमाते हैं, थोड़ी सी इस बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ, वैसे तो ये बेहतर नहीं होता लेकिन ये मैं फिर भी बता देता हूँ कि मैं 50,000 से 1,00,000 के दरमियान डेली जो प्रॉफिट अभी कमा रहा हूँ। माशाल्लाह, लोग जो जब जा रहे हैं बाहर यूरोप में या बाहर जाते हैं 10-10 लाख कम से कम 8 से 10 लाख रुपया खर्च करते हैं, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान में बिज़नेस करें, पाकिस्तान में कोई भी बिज़नेस करें, अपना बिज़नेस करें, और यहाँ पे बाहर से ज़्यादा प्रॉफिट है और सुकून है यहाँ पे। मैं इस फील्ड में जब मैं आया हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है कि अगर आप खेतों में ये काम शुरू कर लेना तो जो सप्लायर और डीलर्स हैं वो आपके पास पहुँच जाते हैं, ठीक है, तो जहाँ मतलब सिर्फ उनको पता हो कि वहाँ पे फैक्ट्री लग गई है तो आपके पास खुद ही पहुँच जाएंगे, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह यह है कि ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बॉल की, मतलब यहाँ से ये अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान से पूरी दुनिया में बॉल जाता है। अगर ये बॉल है, ये बॉल कुत्तों को खिलाने के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे, तो बच्चे वैसे खेलते हैं ये, मतलब किसी भी यूरोप मुल्क में चले जाएँ तो ये बॉल इस्तेमाल होता है, जो बॉल फेंकते हैं कुत्ता वो मुँह से उठा के लेके आता है, ये वो बॉल है। दूसरा बॉल जी, ये दूसरा बॉल है, ये क्रिकेट बॉल है जहाँ पे जो जो है ना टेनिस बॉल के साथ खेलते हैं, क्रिकेट बॉल के साथ, ये वो वाला बॉल है।